सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज पंकज। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टोयोटा की अर्बन क्रूज़र, जो कि कम्पीट करती है विटारा ब्रेजा से, जिसकी लुक सिमिलर है फॉर्चूनर से, जिसके कारण इसे मिनी फॉर्चूनर भी कहा जाता है। सो इसमें क्या कंपनी नई फीचर्स प्रोवाइड करती है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टोयोटा अर्बन क्रूज़र अवेलेबल है 9 डिफरेंट कलर्स में, स्वाव सिल्वर, ग्रूवी ऑरेंज, आइकॉनिक ग्रे, स्पंकी ब्लू, सनी वाइट, रस्टिक ब्राउन विद सिजलिंग ब्लैक रूफ, ग्रूवी ऑरेंज विद सनी वाइट रूफ एंड स्पंकी ब्लू विद सिजलिंग ब्लैक रूफ। सो इसमें 6 वेरिएंट्स आते हैं, मिड ऑटोमेटिक, हाई ऑटोमेटिक एंड प्रीमियम ऑटोमेटिक। सो आप जो देख रहे हो वो इसका आइकॉनिक ग्रे कलर में प्रीमियम वेरियंट विद मैनुअल ट्रांसमिशन। सो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 8.73 लाख टू 11.41 लाख। एवरेज सेल होती है इसकी 3200 यूनिट्स पर मंथ और वारंटी मिल जाती है इसकी 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की। सो कीज़ की बात कर लेते हैं। लॉक अनलॉक आपको बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉलो मी हेडलैम्प या बूट ओपनिंग का बटन नहीं है इसमें। सो अगर लुक की बात करें तो काफ़ी बोल्ड और स्ट्रेच लुक दी गई है इसको। सो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सो ऊपर है रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो स्पॉटी लुक देने के लिए शार्प क्रीजेस देखने को मिल जाएगी आपको बोनट पे। सो डुअल एलईडी प्रोजेक्टर है इसमें, फॉलो मी होम हेडलैम्प फंक्शन और ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन के साथ। सो डुअल फंक्शन आपको एलईडी डीआरएस भी देखने को मिल जाएंगे, जो वर्क करते हैं एज ए टर्न इंडिकेटर्स। सो नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे एलईडी फॉग लैम्प्स क्रोम सराउंडिंग के साथ। सो ब्रेजा से आपको थोड़ी सी स्ट्रेच लुक देखने को मिलेगी इसकी, उसका रीज़न है इसकी फॉर्च्यूनर इंस्पायर्ड ग्रिल। सो टू स्लॉट है इसकी ग्रिल गन मेटल फिनिश के साथ। सो दोनों साइड आपको क्रोम फिनिश की सराउंडिंग देखने को मिल जाएगी। सो बॉडी कलर्स में इसके बम्पर नीचे आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी सिल्वर फिनिश के साथ। सो जो इसके फ्रंट हेडलैम्प और फॉग लैम्प्स हैं वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली अगर आप हिल एरिया पर ड्राइव करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो स्टार्ट करते हैं इसके व्हील एरिया से। तो सेंटर में है टोयोटा का लोगो, डायमंड कट है इसके अलॉय व्हील्स। सो इसका टायर साइज है 250/60R16। अपोलो के आपको टायर्स देखने को मिल जाएंगे। सो डुअल टोल में इसके अलॉय व्हील्स ब्लैक और सिल्वर फिनिश में। सो फ्रंट टायर्स है डिस्क ब्रेक के साथ। तो बात करते हैं इसकी ORVM की। तो बॉडी कलर्स में इसके ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स। सो विंडो बेल्ट लाइन भी अभी आपको ब्लैक स्ट्राइप देखने को मिल जाएगी। सो बॉडी कलर्स में इसके डोर्स, सो कैसे सर आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगा। सो ए बी एंड सी पिलर्स है ब्लैकआउट। रूफ रेल आपको देखने को मिल जाएगी गन मेटल फिनिश के साथ। सो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसका। सेंटर में है एंटीना। सो इसके अलावा अगर इसकी क्लैडिंग की बात करें तो वो दी गई है मैट ब्लैक फिनिश में। तो आपको इसके व्हील आर्चेस पे भी क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। सो साइड क्लैडिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा वेस्ट लाइन मोल्डिंग भी दी गई है मैट ब्लैक फिनिश में। सो सी पिलर के साथ है इसका ग्लास इंसर्ट। सो नीचे जो इसका टायर्स है रियर, वो आपको सेम साइज़ का मिलेगा 16 इंच का, लेकिन आपको इसमें ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। सो जो आप देख रहे हो इसके रियर डोर पे रिस्पेक्टफुल, वो है अर्बन क्रूज़र की टैग लाइन। सो बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। ऊपर बॉडी कलर में है इसकी रूफ, स्पॉयलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें, रियर वाइपर, टोयोटा का लोगो, अर्बन क्रूज़र की बैजिंग सिल्वर फिनिश के साथ। सबसे अट्रैक्टिव थिंग है इसकी बैक प्रोफाइल की, इसकी एलईडी टेल लैम्प जो कि है स्प्लिट स्टाइल में। नीचे है इसका रिफ्लेक्टर, 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे और नीचे सिल्वर फिनिश में इसकी स्किड प्लेट और राइट साइड पे आपको इसकी एग्जॉस्ट एयर पाइप देखने को मिल जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं इसकी बूट एरिया की। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक ओपनिंग की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें। सो पार्शियल ट्रे आपको डुअल फंक्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप गाड़ी के अंदर हो तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो बूट को। सो पार्शियल ट्रे की क्वालिटी आपको डिसेंट मिलेगी। सो 328 लीटर की इसकी बूट स्पेस है। सो लेफ्ट साइड है यहाँ पे कन्वीनियंस स्पेस थोड़ी, सेम गोज विद दैट। सो इस साइड भी आपको सेम स्पेस मिल जाएगी। सो बात करते हैं स्पेयर व्हील की। सो यहाँ पे है स्पेयर व्हील विद टूल किट, नॉर्मल स्टील रिम की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें। सो टायर साइज़ में चेक करा देता हूँ, इसका है 215/60R16।
सो आपको सेम साइज मिल जाएगा बाकी टायर के जैसे स्पेयर व्हील का। सो उसके अलावा मैं चेक करा देता हूँ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे है हुक, और राइट साइड पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको 12 वॉट का सॉकेट और साथ में इसका बूट लैम्प। तो इसके अलावा इसमें एक काफ़ी कूल फीचर है, सो लेट मी शो यू। सो आप सीट को ऐसे पुल करोगे तो ऐसे इसको फोल्ड कर सकते हो, सेम गोज विद दैट। सो बेसिकली आपको इसमें फ्लैट फोल्डिंग सीट की ऑप्शन मिल जाएगी, सो सेम गोज विद दैट साइड। सो उस साइड से मैं चेक करा देता हूँ। सो 60-40 स्प्लिट सीट की ऑप्शन भी काफ़ी कन्वीनियंस दी गई है। सो बेसिकली अगर सीट को ऐसे फोल्ड करोगे तो एक टोटली बेंच बन जाएगा। सो ये फीचर आपको सिर्फ नेक्सन और ब्रेजा में ही देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया ऑफ अर्बन क्रूजर। सो बात कर लेते हैं इसकी इंजन प्रोफाइल की, तो जो भी टारा ब्रेजा में इंजन है वो आपको सेम इंजन इसमें मिल जाएगा। तो इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि पेयर्ड है 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑप्शन के साथ। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 1462 सीसी की और ये प्रोड्यूस करता है 105 पीएस की पावर और 138 एनएम की टॉर्क। सो काफ़ी स्मूथ और डिफाइन इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो बाकी टोयोटा का ट्रस्ट तो है ही, तो बैक साइड पे और इसकी हुड पे भी आपको इंसुलेशन मिल जाएगी नॉइस के लिए। सो काफ़ी अच्छी आपको इसकी माइलेज भी मिल जाएगी, तो कंपनी क्लेम कर रही है 17 की, बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली 17-18 की माइलेज आपको हाईवे पे मिल जाएगी आराम से। सो अब बात कर लेते हैं इसकी डिमेंशंस की, तो जैसे कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी 3995 एमएम की, विड्थ है इसकी 1790 एमएम की और हाइट है इसकी 1640 एमएम की। तो काफ़ी अच्छा आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा टोटल 198 एमएम का और व्हील बेस है इसका 2500 एमएम का। तो काफ़ी बॉक्सी आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये गाड़ी बेस्ड है विटारा ब्रेजा पे, तो आपको उसके जैसा एक सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। सो अर्बन क्रूजर आती है कई सेफ्टी फीचर्स के साथ, जैसे कि इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स हैं, पैसेंजर और ड्राइवर साइड ABS एंड EBD की ऑप्शन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर एंड हिल होल्ड कंट्रोल। हिल होल्ड कंट्रोल की ऑप्शन सिर्फ ऑटोमेटिक में ही अवेलेबल है। सो जैसे कि ये रीबैच्ड वर्जन है विटारा ब्रेजा की, तो ये कैरी करती है 4-स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग। सो बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड डोर से। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा कीलेस एंट्री के लिए। सो काफ़ी हैवी डोर है इसका। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में पैटर्न देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के लिए बटन, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में इसका डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्वीनियंस स्पेस, यहाँ पे बोतल होल्डर के लिए स्पेस, यहाँ पे स्पीकर और यहाँ पे इसका ट्विटर। सो ड्राइवर साइड यहाँ पे AC विंड्स, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ORVM के लिए एडजस्टमेंट के लिए कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलाइट लेबलिंग और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंजन फ्यूल टैंक ओपनिंग के लिए ऑप्शन मिल जाएगी। सो हाइट एडजस्टेबल के लिए आपको यहाँ पे लेवल मिलेगा और यहाँ पे रिक्लाइन एंगल के लिए सेटिंग्स। सो बाकी अगर सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक अपहोस्ट्री में इसकी सीट्स देखने को मिल जाएगी साइड कुशनिंग के साथ। सो बाकी इंटीरियर चेक करने के लिए लेट्स स्टेप इनसाइड। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। सो फुली लेदर रैप्ड है इसका स्टीयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड है इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स, यहाँ पे वॉइस के लिए, यहाँ पे कॉल कनेक्ट और डिसकनेक्ट के लिए कंट्रोल, राइट साइड है इसका क्रूज के लिए कंट्रोल, लेफ्ट साइड है वाइपर के लिए लीवर और राइट साइड है हेडलाइट के लिए लीवर। सो एडजस्टेबल है इसका स्टीयरिंग व्हील, सिर्फ आपको टिल्ट की ऑप्शन मिलेगी, टेलीस्कोपिंग की ऑप्शन नहीं मिलेगी इसमें। उसके अलावा बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो लेफ्ट साइड है इसका RPM मीटर और राइट साइड है इसका स्पीडोमीटर। सो एनालॉग में इसका RPM और स्पीडोमीटर है, सेंटर में आपको डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फ्यूल एंगेज लेवल लेफ्ट साइड पे और राइट साइड है इसका टेम्परेचर के लिए लेवल। उसके अलावा आपको टोटल टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा इसमें टोटल किलोमीटर्स वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अगर सेंटर में बात करें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी ऑल अराउंड। सो AC विंड्स आपको यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा मैट फिनिश में, यहाँ पे हजार्ड लाइट। सो 7 इंच का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पे आपको रेडियो,
FM, ब्लूटूथ, उसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। सो इसका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम है 18 और जो इसका मैक्सिमम है वो इसका 32। सो उसके अलावा आपको नीचे यहाँ पे USB ऑक्स देखने को मिल जाएगा, USB और ऑक्स के लिए ऑप्शन। यहाँ पे है 12 वॉट का सॉकेट। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस स्पेस देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना मोबाइल या कुछ भी वॉलेट रख सकते हो। यहाँ पे है 5-speed गियर लीवर। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आर्म रेस्ट ये ओपन है, यहाँ पे अभी आपको कन्वीनियंस स्पेस देखने को मिल जाएगी। सो बात करते हैं को ड्राइवर साइड की, तो अपर साइड भी है इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट स्पेस के साथ, और यहाँ पे भी आपको लोअर ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा इल्यूमिनेशन के साथ। सो पियानो ब्लैक फिनिश आपको इस साइड भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी। उसके अलावा वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे मिलेगा सनशेड पे। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन भी देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर की ऑप्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पे सनग्लास होल्डर, यहाँ पे 2 लाइट्स, ऑटो डिपिंग की ऑप्शन आपको IRVM में देखने को मिल जाएगी। सो आपको काफ़ी डिसेंट इसकी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। सो चेक कर लेते हैं। सो बात करते हैं इसकी रियर सीट की, तो स्टार्ट करते हैं रियर साइड डोर से। सो ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा इसका रियर साइड का। यहाँ पे है ब्लैक फिनिश, यहाँ पे है सिल्वर फिनिश, क्रोम फिनिश में इसका डोर हैंडल। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे बोतल होल्डर के लिए स्पेस, और यहाँ पे है स्पीकर। बाकी रियर सीट कंफर्ट चेक करने के लिए रेस्ट अप इनसाइड। सो बात करते हैं इसके रियर सीट कंफर्ट के बारे में, तो काफ़ी लेंथ अच्छी दी गई है इसकी सीट की, लेकिन थाई स्पोर्ट और अच्छा हो सकता था। नी रूम काफ़ी अच्छा है इसका, लोअर लेग स्पेस भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। एडजस्टेबल इसके हेड रेस्ट है, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर। उसके अलावा यहाँ पे है मैगजीन होल्डर, यहाँ पे आपको 3 kg की हुक देखने को मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड की तरफ। बाकी रियर साइड आपको कोई भी AC विंड या 12 सॉकेट चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे है ग्रैब हैंडल, सेंटर में यहाँ पे लाइट के लिए ऑप्शन। ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है इसका अगर कंपेयर करें इस सेगमेंट के बाकी गाड़ियों के बारे में। सो आपको कैसी लगी ये कार और आपके क्या थॉट्स हैं इस कार को रिलेटेड, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द थम्स अप बटन, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न नोटिफिकेशन ऑन टू नेवर मिस एनी अपडेट। मिलेंगे नई वीडियो में नई कार के साथ, टिल देन हैव अ गुड डे।